हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं विंडोज अपडेट। एरर कोड है 0x800700C1। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, तो बड़े इजी और आसान स्टेप्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है, ट्रबल शूट सेटिंग्स को सर्च करके इसे ओपन करना है। अदर ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, वो आपको मिलेगा ऑप्शंस में, सिस्टम, फिर ऑप्शंस में आपको ये ट्रबल शूट दिख जाएंगे। आप इनके ऊपर क्लिक कर दें, फिर विंडोज अपडेट पे रन पे क्लिक करें और रन करें अपने विंडोज अपडेट को। मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं रन नहीं कर पा रहा। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप सिंपली इधर रन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन ओपन होगी। आपको सिर्फ वेट करना है और आपको क्लोज का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको क्लोज का ऑप्शन आएगा, तो फिर क्लोज करके आप सेटिंग्स को भी क्लोज करें। और ये मेथड वर्क ना करें तो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सेकेंड मेथड टाइप कर सकते हैं। आपको CMD टाइप करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है अगर परमिशन मांगे तो। इधर SFC/scan नाउ मैं आपको टाइप करके दिखा दूं, SFC/scan SCANNOW नाउ, स्कैन नाउ, प्रेस एंटर और वेट करें ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अगर ये प्रोसेस 100% हो जाए तो आप अपने PC को रिस्टार्ट करें। सबसे पहले इसको क्लोज कर दें और अब अपने PC को रिस्टार्ट करें, और रिस्टार्ट के बाद आप इजीली रिजॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। और आप अगर रिस्टार्ट करने में अगर डर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट, पावर बटन और रिस्टार्ट। इस रिस्टार्ट में आपको कुछ अपना डेटा वेटा नहीं जाएगा, बस रिस्टार्ट हो जाएगा और आपकी फाइल वो सब कुछ नहीं जाएगी। तो आप इजीली रिस्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी और रिस्टार्ट के बाद इजीली रिजॉल्व कर लेंगे। तो थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ कमेंट करें वीडियो पे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।